हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। विंटर सीजन चल रहा है और इस सीज़न में लगभग सभी घरों पर गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। आज मैं आपके साथ गोंद के लड्डू की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें कि सभी टिप्स और ट्रिक्स होंगे जिससे कि आपके गोंद के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। चलिए तो बिना देर किए अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। आपको मार्केट में दो तरह का गोंद अवेलेबल होगा, लेकिन विंटर सीजन में लड्डू बनाने के लिए हमें गोंद लेना है। ये जो वाइट कलर का है ये गोंद का तीरा है। विंटर सीजन में लड्डू बनाने के लिए हमें इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गोंद की तासीर गर्म होती है और गोंद का तीरा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यहाँ पर हम गोंद ही यूज़ करेंगे। मैंने एक कढ़ाई को लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 100 ग्राम देसी घी ऐड करूँगी। लड्डू बनाने के लिए हमें देसी घी का ही यूज़ करना है, क्योंकि देसी घी का फैट हेल्दी होता है। घी के पूरी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू ऐड करेंगे। नट्स को थोड़ी देर तक भूनने से इनका मॉइस्चर दूर हो जाता है, जिससे कि लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इसमें थोड़ा सा क्रंच भी मेंटेन हो जाता है। काजू बादाम को भूनते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और अब इनका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर और भुने हुए नट्स को हम स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमने ये जो गोंद लिया है इसे एक साथ पूरा नहीं भूनना है, क्योंकि पॉपकॉर्न की तरह से ये गोंद बहुत फूलता है, इसीलिए एक बार में हम करीब 3 चम्मच गोंद को ही घी में ऐड करेंगे। अब इस गोंद को मीडियम फ्लेम पर बराबर इसी तरह से स्टिर करते हुए भूनना है। यदि आप एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में गोंद को भूनेंगे तो उसे फूलने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा और वो अच्छी तरह से भून नहीं पाएगा, इसीलिए एक बार में आपको थोड़ा गोंद ही घी में ऐड करना है। जब गोंद अंदर तक अच्छी तरह से भुन नहीं पाता है, तो ऐसे गोंद को जब लड्डू बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं तो खाते समय ऐसा गोंद दांतों में चिपकता है। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए गोंद को भी थोड़ा थोड़ा करके भुनेंगे। गोंद को ठीक तरह से भुनने के लिए हमेशा गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना चाहिए। गोंद का लास्ट बैच भी भुन चुका है और अब कढ़ाई में पूरा घी भी खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा घी फिर से ऐड करेंगे और घी के मेल्ट हो जाने के बाद अब हम ऐड करेंगे 50 ग्राम किशमिश। किशमिश को भूनते समय गैस की फ्लेम को लो रखना है और किशमिश को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 1 मिनट से भी कम में ही भुन जाती है। अभी करीब 15 से 20 सेकेंड ही हुए हैं और आप देख सकते हैं किशमिश भी बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह से फूल चुकी है। अब हम इनको भी एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। भुनने के बाद किशमिश वापस अपनी शेप में आ जाती हैं, लेकिन इनका मॉइस्चर दूर करने के लिए इनको थोड़ी देर तक भुनना ज़रूरी होता है। अब हमने लिए हैं 50 ग्राम मखाने। किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से यदि आप घी का कम यूज़ करना चाहते हैं तो गोंद को छोड़कर बाकी के नट्स को आप बिना घी के भी भून सकते हैं। मखाने को भूनते समय गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और मखाने को हमें बराबर इसी तरह से स्टिर करते हुए क्रिस्पी होने तक भूनना है। मखाने को भूनते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और अब मखाने का कलर चेंज हो चुका है। अब हम एक मखाने को लेकर इसे क्रश करके देखेंगे। जब मखाना अच्छी तरह से भुन जाता है तो वो इसी तरह से क्रश हो जाता है। तो अब ये हमारे मखाने अच्छी तरह से भुन चुके हैं, हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 50 ग्राम ही हमने सूखे हुए नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो नारियल को इसी तरह से सूखा भी भून सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके भी इसको भून सकते हैं। नारियल को हमें लो फ्लेम पर भूनना है। नारियल को भूनते हुए अभी करीब 1 मिनट ही हुआ है और इसका कलर चेंज होने लगा है। नारियल को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो अब ये हमारा नारियल भी भून चुका है। अब हम लेंगे 100 ग्राम घी। घी को मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें 400 ग्राम गेहूं का आटा ऐड करेंगे। लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर चक्की का पिसा हुआ आटा यूज़ कर रही हूँ। लड्डू बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। आटे को भूनने के लिए हमने घी का भी यूज़ किया है, इसीलिए घी के साथ आटे के लम्ब्स बन जाते हैं। तो इन लम्ब्स को स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से प्रेस करते हुए ख़त्म करना है और इस आटे को सभी तरफ से बराबर इस तरह से पलटते हुए भूनना है। आटे को भूनने के लिए हमेशा ही भारी तले की कढ़ाई का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आटे को काफ़ी देर तक भूना जाता है। यदि हल्के तले वाली कढ़ाई होगी तो आटा जल सकता है, जिससे कि लड्डू का टेस्ट खराब हो सकता है।
आटे को भूनते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटे का कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब ये हमारा आटा अच्छी तरह से भून चुका है। अब भुने हुए मखाने और गोंद को हमें क्रश करना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका बताऊंगी। भुने गए मखाने और गोंद को एक बॉल की हेल्प से बहुत ही आसानी से क्रश किया जा सकता है। गोंद यदि अच्छी तरह से भुना हुआ है तो ये बॉल की हेल्प से बहुत ही आसानी से क्रश हो जाता है। लड्डू बनाने के लिए गोंद को कभी भी ग्राइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे ग्राइंड करने से इसका क्रंच बिल्कुल खत्म हो जाता है। 2 मिनट में ही मखाने और गोंद को हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब हमने जो किशमिश और नारियल को भून कर रखा है, इसे हम इसी फॉर्म में ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर सूखे हुए नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप इसकी जगह पर चाहें तो नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर काजू और बादाम को साबुत ही भूना था, क्योंकि यदि हम इनको चॉप करते तो चॉप करने में काफ़ी टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, तो इसीलिए मैंने इनको साबुत ही भून लिया है। इनको बहुत ही आसान तरीके से क्रश करने के लिए मैंने यहाँ पर जिपलॉक बैग का यूज़ किया है। इस तरह से जिपलॉक बैग की हेल्प से आप बहुत ही कम एनर्जी और टाइम खर्च करके काजू और बादाम को क्रश कर सकते हैं। तो 1 मिनट से भी कम में काजू और बादाम को मैंने फाइन क्रश कर लिया है। क्रश किए गए काजू और बादाम को भी हमने बाकी चीज़ों के साथ ऐड कर लिया है। अब जो आटा हमने भून कर रखा है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। सभी चीज़ें भून कर तैयार हो चुकी हैं। अब लड्डू को बाइंड करने के लिए, चाशनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में करीब 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर घी को मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 800 ग्राम गुड़। क्योंकि हमने 400 ग्राम आटा लिया है तो इसके लिए हम यहाँ पर 800 ग्राम गुड़ लेंगे। अब इस गुड़ को हमें लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। लड्डू बनाते समय यदि आप पाउडर शुगर, खांड या बूरा ऐड करना चाहते हैं तो आप केवल 400 ग्राम ही ऐड करें, लेकिन यदि आप खांड, बूरा या फिर पाउडर शुगर के साथ लड्डू बनाने जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको आटे को भूनते समय इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, तभी आपके लड्डू बाइंड होंगे। यहाँ चाशनी बनाने के लिए हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, हम गुड़ को घी में ही मेल्ट करेंगे। करीब 80% तक गुड़ मेल्ट हो चुका है और अभी गुड़ के कुछ पीसेस रह गए हैं। इनको इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते हुए मेल्ट करना है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, इसीलिए इस चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। आप यदि गुड़ के टुकड़ों को इस तरह से प्रेस नहीं भी करेंगे तो भी कुछ देर के बाद ये टुकड़े अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक चाशनी के पकने से इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, जिससे कि लड्डू सख्त हो जाएंगे। अब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और लड्डू बनाने के लिए चाशनी रेडी हो चुकी है। अब बस गैस की फ्लेम ऑफ करके इस चाशनी को तुरंत ही हम आटे के साथ ऐड करेंगे। अभी चाशनी काफ़ी गर्म है, इसीलिए स्पैचुला की हेल्प से ही सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके लड्डू बनाने के लिए मिक्सर तैयार कर लिया है। अब लड्डू बनाने के लिए इस मिक्सर में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हाथ से इस तरह से बाइंड करके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस मिक्सर को हमें ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं होगा। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू का साइज़ अपनी इच्छा अनुसार आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो ये मैंने पूरे मिक्सर से लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। लड्डू की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।